हाँ जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू सो टुडे विल बी डिस्कसिंग दिस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑल दो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द पैटर्न सो माय एम्फेसिस विल बी ऑन सर्टेन फाइनर डिटेल्स ऑफ द पैटर्न व्हिच इन्फ्लुएंस योर प्लानिंग है ना देखिए अब

है ना तो अगर एक साल पहले आप तैयार कर रहे हो दो साल पहले तैयार कर रहे हो तो ये जो पैटर्न आपका है वो डिसाइड करता है कि अभी आपको क्या एक्शन लेने हैं इज इन डेड वो हम देखेंगे कैसे हम हाउ डू वी मेक आउट की यार इस पैटर्न में क्या कंपलशन हैं जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेटजी आज वो बनती है टेकिंग टू अकाउंट द पैटर्न ठीक है ना तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को एंड लिसन टू वेरी केयरफुली बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये देखो इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो यू का सिलेक्शन प्रोसेस है या दो पैटर्न ऑफ एग्जाम है इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ दी वेरी फ्यू अनटिनटेड एग्जाम्स इन इंडिया इतना उन्होंने फुल प्रूफ पैटर्न बनाया है कि अपना ऑल दो देर आर कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग द एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल्स ऑफ लेट बहुत चेंज होते रहे हैं कभी प्री का डेट चेंज हो गया कभी मेंस का कुछ डेट चेंज हो गया मेंस का पैटर्न चेंज हो गया तो ऑल द दो कॉन्ट्रोवर्सी हैज़ बिन देयर बट इट इज कंसिडर टू बी द मोस्ट फेयर एग्जाम इन दिस कंट्री दैट मीन्स यू बेसिकली क्लियर दिस एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ योर अबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट है ना अपनी मेरिट के बेसिस पे आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो रेस्ट एश्योर जो आप मेहनत करोगे उसका फल आपको ये एग्जाम जरूर देगा है hey ना और ये आप महसूस करोगे कि यार ये बहुत ही मेटिकुलस पैटर्न है और एक साल पहले इसकी डेट्स आती हैं कोई डेट्स में अन अनयूजअल वेरिएशन नहीं होती अनलाइक द स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम वेयर आर द वेरिएशंस आर द एग्जामिनेशन पैटर्न इट्सल्फ इज़ हाईली अनप्रडिक्टेबल प्री कब हो रहा है मेन्स कब हो रहा है इंटरव्यू कब हो रहा है सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है बट वेन इट कम्स टू यू पी एस सी सिविल सर्विस एग्जाम द डेट्स आर क्वाइट फिक्सड है ना अनटिल देर आर ह्यूज एक्सीजेंसी लाइक द पेंडेमिक

और ये दोनों जो स्टेजेस हैं इनको सी एस एम बोलते हैं सिविल सर्विसिनेशन सिविल मेंस एग्जामिनेशन के दो पार्ट हैं रिटर्न और इंटरव्यू ठीक है ना तो अगर यूपीएससी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इट्स अ टू स्टेज एग्जाम प्रिलिमिनरी एंड मेन्स ओनली मेन्स के फर्दर दो पार्ट है रिटर्न और इंटरव्यू ठीक है ये आप सबको पता है ना व्हेन इट कम्स टू प्रिलिमिन्री एग्जामिनेशन प्रिलिमरी एग्जाम में देखिए द नोटिफिकेशन यूजली अपीयर्स ओके नोटिफिकेशन यूजली अपियर्स इन फेब्ररी फेबर के महीने में नोटिफिकेशन आती है इसकी जैसे अभी इट्स नाउ अक्टूबर तो नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी में आएगी 2019 का देखें तो नोटिफिकेशन केम ऑन 19 फेबर राइट एंड द इज हेल्ड इन मंथ ऑफ मई अब्ली जून एवरी ईयर इन 2019 इट इज It was held on 2nd June, and 2021 also it will be held in, uh, June, in the month of June. Uh, in preliminary, there are two papers, both are objective type format, MCQ, multiple choice questions. Every question is having four choices, and you have to choose one choice, right? Paper one is of general studies, which carries a maximum marks of 200, whereas paper two.

इसमें खास बात ध्यान देने वाली बात यह कि पेपर टू जो है इट इज क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग इसके मार्क्स आपके प्रीलिम की मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते है ना एंड ओनली इफ यू आर एबल टू स्कोर थर्टी थ्री परसेंट ऑफ दी मार्क्स यू आर यू आर कंसिडर्ड क्वालिफाइड फ्रॉम फॉर दिस पेपर टू तो मेरिट आपकी बनती है ये दो सौ मार्क्स में से बनती है राइट right?

ठीक है ना तो जो आपका प्रीलिम का रिजल्ट जब आता है रिजल्ट आता है फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड वीक ऑफ जुलाई इन 2019 थाउजेंड द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन ट्वेल्थ जुलाई ये मैंने डेट्स लिए जान के सो दैट यू गेट अ फील ऑफ टाइम मतलब अगर दो जून को प्रीलिम हुआ था और यही मेरा उद्देश्य है ये कराने का क्योंकि हम पैटर्न तो समझ लेते हैं सारे पैटर्न पर पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फरसाइज नहीं कर रहा हूँ राइट बट मैं एम्फरसाइज डेट्स पे कर रहा हूँ आप ध्यान देंगे तो दो जून को अगर आपका प्री हुआ था दो में तो रिजल्ट उसका आया बारह जुलाई को दैट वॉज फोर्टी डेज तो यूपीएससी इज टेकिंग फोर्टी टू फोर्टी फाइव डेज टू क्लियर द प्री नावर डेज टू डिक्लेयर द प्री रिजल्ट डेज ठीक है ना तो कितने परसेंट लोगों को डिज द नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग इज द की फीचर ऑफ रिल्यूम एग्जाम आवर डेज ठीक है ना अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके कितने मार्क्स कटते हैं हाँ जी टेलमी एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो कितने नंबर कटते हैं आपके वन थर्ड वेरी राइट ठीक है चलो ये तो जस्ट जस्ट टू इन्वॉल्व यू अदरवाइज एवरीबडी नोज तो वन थर्ड मार्क्स आर डिटेक्टेड अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है और प्रीलिम के अंदर यही इंपॉर्टेंट बात है है ना चलिए दैट इज अब रफली थर्टीन टाइम्स दी नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब ट्वेल्व पॉइंट फाइव टू थर्टीन टाइम्स दी वैकेंसीज आर कॉल्ड फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन मतलब अगर आप रफली मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो अगर दस लाख लोग प्रिलिम भर रहे हैं पेपर फॉर्म भर रहे हैं तो लेस देन फिफ्टी परसेंट एक्चुअली अपेयर इन द एग्ज़ाम है ना साढ़े चार चार साढ़े चार लाख लोग पेपर देंगे आपका अब साढ़े चार लाख में से जितनी वैकेंसीज होंगी किसी साल में अगर सपोज वन थाउजेंड वैकेंसीज हैं तो रफली अराउंड आप लगा के चलिए साढ़े बारह से तेरह हज़ार लोगों को वो मेंस के लिए बुलाएंगे ठीक है ना मतलब अगर साढ़े चार लाख लोग पेपर देते हैं तो उसमें से सिर्फ साढ़े बारह से तेरह लाख लोग ही पेपर के लिए मेन्स के लिए बुलाए जाएंगे ठीक है ना तो इसलिए मेंस जो आपका स्टेज है उस तक पहुंचने के लिए आपको यू हैव टू बी यू टू प्लान अकॉर्डिंगली है ना कि साढ़े चार लाख लोग अगर दे रहे हैं तो मुझे टॉप तेरह हज़ार में आना है और जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं या कितने लोग मेंस के लिए बुलाए जाते हैं दैट आल्सो अफेक्ट्स लोअर कट ऑफ वो कट ऑफ अफेक्ट भी करती है अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाएगी अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो उस पर कट ऑफ पे थोड़ा सा अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा थोड़ा बहुत राइट right? तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको जिस इन द ईयर इन विच यू आर अपेयरिंग द प्री यू हैव टू लुक आउट फॉर की हाउ मच हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इफ द वैकेंसीज आर लेस देन यू शुड बी केयरफुल दैट कट ऑफ मे गो अप एंड इफ द वैकेंसीज आर लेस इफ मोर देन कट ऑफ मे फॉल ठीक है ना बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन ठीक है जी और ये मेन्स जो आपका है ये टोटली आपका एक सब्जेक्टिव और एस ए टाइप फॉर्मेट में है है ना वेयर यू हैव टू टू गो अ सेंटर यू विल बी गिवन आंसर शीट और आंसर शीट में आपको अपने आंसर लिखने हैं राइट एंड द मेन्स इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर और अक्टूबर सेप्टेंबर और अक्टूबर में ये मीन्स होते हैं 2019 के अंदर जो आपके मेन स्टार्ट हुए थे वो 20 20th सितंबर से हुए थे वो आगे देखेंगे हम 20 सितंबर से आपके मेंस हुए थे तो आप क्रिटिकल डेट्स लगा के चलिए 2 जून को प्री हुआ 12 जुलाई को रिजल्ट आया और 20 सितंबर को मेंस हो गया दो 12 बीस ठीक है ना तो ये हमें कुछ लेसन देगा मेंस में आपके देखिए नाइन पेपर्स होते हैं नौ पेपर्स और टोटल जो स्कोरिंग स्कोर है वो है सतारा पचास जो स्कोर काउंट होता है ओके okay. ये सारे पेपर हैं आपके मेंस के नौ पेपर पेपर वन इज ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज पेपर थ्री हंड्रेड मार्क्स का पेपर टू इज ऑफ एनी इंडियन लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट विच इज गिवन आप चाहे हिंदी रखिए चाहे आप पंजाबी रखिए चाहे आप तेलगू रखिए चाहे आप मराठी रखिए आप बंगाली रखिए तो एक लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दी गई हैं उसमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो आप कोई भी रख सकते हैं इट कैरीज 300 मार्क्स पेपर थ्री जो है वो ऐसे का है ढाई नंबर का इसमें आपको दो लिस्टें दी होती हैं उसमें से आपको हर लिस्ट में से एक ऐसे करना है मतलब दो ऐसे आपको अटैप्ट करने होते हैं वन मार्क्स ईच के लिए चलिए आगे भी डिस्कस करेंगे पेपर जब हम जनरल स्टडीज डिस्कस करेंगे तब तो पेपर आएंगे आई विल डिस्कस कीप ऑन डिस्कसिंग ईच एंड एवरी आस्पेक्ट आई विल रिकॉर्ड अ सेपरेट लेक्चर ऑन एस ए ये मैंटरिंग चलती जाएगी इसमें आपके बहुत लेक्चर हो जाएंगे पचास सौ लेक्चर हो जाएंगे हर छोटी चीज़ के लिए लेक्चर कभी आपने सोचा कि ऐसे की तैयारी करनी है आपको इसमें लेक्चर मिलेगा कि ऐसे कैसे तैयार करना है क्या डायनेमिक्स हैं ऐसे तैयार करने के यू में ऐसा कैसे होता है लैंग्वेज इसके लिए मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा कि इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज के लिए को कैसे तैयार करना है कितना तैयार करना चाहे दस मिनट का होगा लेकिन एटलीस्ट डाउट नहीं रहेगा आपके मन में आई विल गिव यू सैम्पल ऐसे कि हाँ सैम्पल पेपर कि ये सैम्पल पेपर देखो आया हुआ है इसमें से इतनी तैयारी करने की जरूरत है इतनी नहीं यू डी नॉट टू वास्नी थिंग फ्रॉम एनी वेयर एविडेंस एवरी थिंग देर जी एस पेपर वन टू फिफ्टी जीएस पेपर टू टू फिफ्टी जी एस पेपर थ्री सॉरी पेपर थ्री एंड पेपर फोर टू फिफ्टी एच एंड आपको एक सब्जेक्ट रखना होता है जिसके दो पेपर होते हैं अगेन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दी हुई है उसमें से आपको एक सब्जेक्ट रखना है लेक्चर ऑन सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन ऑल्सोन कैसे सिलेक्ट करना ठीक है ना तो पेपर वन टू फिफ्टी टू फिफ्टी तो ये सारे जो ये ये जो आपके इस सात पेपर हैं इसका जो जोड़ है सतारा सो पचास बनता है और ये दोनों पेपर जो हैं वो क्वालिफाइंग है ठीक है ना इसमें आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स चाहिए मतलब अगर आपके तीन सौ में से पचहत्तर नंबर आगे सेवेंटी फाइव मार्क्स आ गए मार्क तो आपका ये क्वालिफाइड माना जाएगा इसमें भी अगर आपके सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स आगे सॉरी सेवेंटी फाइव मार्क्स आ गए मार्क तो क्वालिफाइड माना जाएगा और ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे जो पेपर हैं आपके बाकी सात के साथ इसमें मिनिमम हर पेपर में टेन परसेंट होना जरूरी है दस परसेंट का क्वालिफाइंग है मतलब हर ढाई सौ में से पच्चीस नंबर तो आपके होने ही चाहिए ना सपोज अ कैंडिडेट आउट ऑन एनी पेपर तो दैट पर्सन इज डिसक्फाइड तो मिनिमम दस परसेंट मार्क्स तो आपके हर पेपर में होने ही चाहिए ठीक है ना दो के अंदर यह इंट्रोड्यूस हुआ था उससे पहले ऐसी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होती थी बट दस परसेंट मार्क्स आपके मिनिमम क्वालिफाइंग होने चाहिए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जीएस के पेपर हैं आपके ये चारों देर इज नॉट इवन अ सिंगल मार्क्स चॉइस इन दिस कोई चॉइस नहीं है जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो आपको सारे ही करने हैं कोई चॉइस नहीं है कोई चॉइस नहीं, नहीं है इसके अंदर राइट और हर क्वेश्चन के लिए जो स्पेस है वो स्पेसिफाइड है दो तरह के मेनली क्वेश्चन आते हैं या तो दस नंबर का आ रहा है या पंद्रह नंबर का आ रहा है इट मे वेरी कोई जरूरी नहीं है कि अगली बार भी दस ही पंद्रह का आए मैं आई कांट से दिस थिंग बट अगर उन्नीस का पेपर देखें तो दस से दस नंबर और पंद्रह नंबर के दो तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार एक क्वेश्चन के दो पार्ट भी हो जाते हैं पांच पांच नंबर के हो सकते हैं तो देर इज़ नो लिमिटेशन ऑन यूपीएससी ठीक है ना जब ये पैटर्न चेंज हुआ था तो साढ़े बाईस नंबर का एक क्वेश्चन था साढ़े बारह नंबर का एक क्वेश्चन था ट्वेल्व एंड हाफ बीस क्वेश्चन साढ़े बारह नंबर ढाई सौ नंबर लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करते आ रहे हैं ये तो पैटर्न चेंज हो सकता है इसमें आपको तैयार रहना है इसके लिए और जब भी आप मेंस देने जाएं तो आपको पहले पेपर खोल के जरूर देखना है कि कोई चेंज तो नहीं हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसमें क्या है कि हर क्वेश्चन के लिए स्पेस स्पेसिफाइड है आपको उतने ही स्पेस में लिखना है देर इज नो प्रोविजन फॉर एनी एक्स्ट्रा शीट आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी और हर क्वेश्चन के लिए जितनी स्पेस स्पेसिफाइड है उसी के अंदर आपको आंसर कंप्लीट करना है उससे बाहर नहीं जा सकते आप अगर वर्ड लिमिट मैंशनड है कि भाई ये क्वेश्चन आपने डेढ़ सौ वर्ड से ज्यादा मैंशन नहीं करना तो आपको अपनी वर्ड लिमिट को स्टिक करना पड़ेगा ठीक है ना ये हम जब मेन्स आंसर राइटिंग जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें हम इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी अगर आप वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हो या बहुत कम लिखते हो ज़्यादा लिखते हो तो क्या रिप्रकशंस हैं इस चीज़ की ठीक है जी तो ये आपका मेंस का हो गया सतारह नंबर का आपका पेपर है और ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है मैंने आपको सारा ये क्लेरिफाई कर दिया सो मार्क्स ऑफ टेंट इन द लैंग्वेज पेपर आर नॉट एडेड इन द स्कोर 25 फाइव परसेंट क्वालिफाइंग है सात 10 परसेंट मार्क्स इन ई सेवन कॉम्पिटेटिव पेपर्स चाहिए आपको हर पेपर की जो ड्यूरेशन है तीन घंटे की है अब आप देखिए आगे चलिए अगर मेन्स का रिजल्ट कब आएगा मेन्स का रिजल्ट फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में जनरली आ जाता है मतलब अगर आपके पेपर सेप्टेंबर में खत्म हो गए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन महीने के बाद कभी भी रिजल्ट आ आपका आ सकता है फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2019 के अंदर जो आपका रिजल्ट आया था दैट वाज ऑन फिफ्टींथ जनवरी 15 जनवरी को रिजल्ट आया था ठीक है ना तो हमारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स की फेरिस्त में एक और एड हो गया दो बारह बीस और पंद्रह नहीं दो बारह बीस पंद्रह ये तीनों डेट्स आपकी हैं 2019 में और ये अगला साल निकल गया जनवरी आ गया ठीक है जी तो आपका तीन महीने बाद आपका रिजल्ट ये आ जाता है रफली अराउंड ठीक है जी अब आप देखिए मैंने यहाँ मेंस की टिपिकल डेट शीट है जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस आपका 20 सितंबर से आपका पेपर स्टार्ट हुए पहला पेपर आपका था ऐसे का पहले दिन एंड सेकेंड डे विदाउट एनी छुट्टी जी एस पेपर वन पेपर टू उसके अगले दिन विदाउट एनी लीव पेपर थ्री पेपर फोर मतलब जनरल स्टडीज के अंदर आपको कोई छुट्टी नहीं मिल रही है और उसके बाद बाईस के बाद अट्ठाईस मतलब नेक्स्ट वीकेंड सात दिन की उन्होंने छः दिन का गैप दे दिया पहले दि, अट्ठाईस तारीख को इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर और उनतीस तारीख को ही ऑप्शनल का पेपर मतलब विद इन आप लगा लीजिए नौ दिन विद इन नाइन डेज योर होल एग्जाम इज ओवर और इतना मैं आपको बता दूं डोंट प्लान फॉर दिस इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड देर इज नो कंपल्शन ऑन यूपीएससी दैट इट गिव्स यू अ गैप ऑफ सेवन डेज फॉर द ऑप्शनल नो अगर आप 2014 को देखें 15 को देखें तो एक ही दिन की छुट्टी थी बस ऑप्शनल से पहले तो कोई जरूरी नहीं है हो सकता है कि बाईस के बाद तेईस को डायरेक्टली ये कर दें चौबीस को ये कर दें पाँच दिन में खत्म 2014 में 15 में 16 में ये पाँच दिन के अंदर पेपर खत्म थे बट एक्सपेक्टेड है कि छुट्टी देनी चाहिए उनको बिकॉज इट बिकम्स टायरिंग बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाता है और ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है यू पी शुड गिव सम स्पेस इन बिटवीन सो दैट पीपल कैन परफॉर्म बेटर बट लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि एजम्शन नहीं लेके चलनी अवर प्लानिंग कैन नॉट टेक अजम्शन कि भाई छुट्टी हमारे को सात दिन मिलेगी मिलेगी अगर सात दिन की छुट्टी एज्यूम कर ली हमने तो हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट है और अगर सात दिन की स्ट्रेटजी नहीं छुट्टी नहीं एज्यूम करते हम तो स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफर हो जाएगी तो टू बी ऑन सेफर साइड मुझे क्या छुट्टी माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए मिल गई तो ये बोनस है लेकिन इफ यू आर प्लानिंग फॉर वन ईयर टू ईयर थ्री इयर तो वाई शुड बी अज्यूम दैट आई विल गेट अ सेवन डेज ब्रेक हेयर ठीक है ना तो अगर आप काउंट करके देखो दो जून से बीस सितंबर कितना टाइम हो गया दो जून से ट्वेंटी सितंबर जून से जुलाई जुलाई से अगस्त अगस्त से सितंबर दो जून से तो ये अराउंड थ्री एंड हाफ मंथ्स का टाइम हो गया जून से जुलाई जुलाई से अगस्त अगस्त से सितंबर सिर्फ साढ़े तीन महीने आपको हैं बिटवीन प्री एग्ज़ाम एंड मेंस एग्जाम साढ़े तीन महीने बट इफेक्टिव टाइम रह जाता है ये सिर्फ तीन महीने का इफेक्टिव टाइम सिर्फ तीन महीने का रह जाता है अब आप सोचो प्री एग्जाम के बाद रफली आपको इफेक्टिवली तीन महीने मिल रहे हैं तो तीन महीने में क्या आप मेन्स तैयार कर सकते हो कैन वी प्रिपेयर द होल मेन्स चार जी के पेपर एक ऐसे का और दो ऑप्शन के पेपर दी सेवन पेपर्स कैन यू प्रिपेयर और कैन यू डू यू थिंक दैट दिस टाइम इज इवन अनफ फॉर प्रॉपर रिविजन ऑफ दी सेवन पेपर्स सो इट्स अ बिग लेसन बहुत बच्चे मैंने देखे हैं दे डोंट एग्जामिन दैटर्न प्रॉपरली डोंट सी दी डेट शीट्स एंड दे दे जस्ट दे आर जस्ट प्लानिंग विदाउट एनी डाटा और फिर बाद में जैसे सफर किया अरे सर छुट्टी नहीं मिली अरे पहले ही पता था छुट्टी नहीं देते हमें पहले ही पता था इतना ही टाइम तीन महीने मिलना है तो आपको ऑप्शनल अपना जी एस, कुछ तो पहले तैयार करके रखना पड़ेगा तो इफेक्टिव तो इससे हमें बहुत बड़ा लेसन ये मिलता है कि रीजनेबल प्रिपरेशन ऑफ मेन्स शुड बी डन बिफोर द प्रिलिम आपको अपने मेंस की प्रिपरेशन रिजनेबली बिफोर द प्रिलिम करनी ही करनी है मतलब हम ये लगा के चलते हैं कि 60 टू 70 परसेंट ऑफ योर मेंस शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर द प्री अगर आप ऑप्शन सब्जेक्ट की बात करें तो एटलीस्ट आधा पेपर आपका प्री से पहले तैयार होना चाहिए एटलीस्ट आधा पेपर आधा पेपर आपका तैयार होना चाहिए जीएस के मेन्स के सेक्शंस की बात करें तो मेजर सेक्शंस वो हम मैं प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी बाद में बताऊंगा कि जीएस के जो, जो हम अंडरस्टैंडिंग जनरल स्टडीज करेंगे कि ये सेक्शन आपके प्री से पहले तैयार होने चाहिए और ये सेक्शन आप प्री के बाद भी कर सकते को हो कोई नुकसान नहीं होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो प्री के बाद ही करनी बनती हैं है ना और कुछ चीजें और उसको प्री के बाद ही कर लोगे तो बेनिफिट रहेगा अदरवाइज पहले करके बहुत बेनिफिट रहता नहीं है एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंट्रिंग ये ना हो कि आप ऐसी चीज उठा के बैठ जाए और आप इतना टाइम लगा देंगे जिसका कोई फायदा ही नहीं है जैसे सपोज आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं ऐसे से तीन महीने लिखे ऐसे लिखे जा रहे हैं जबकि इट्स टोटल वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल ही एक, एक मतलब सोचो इट्स अ बिग मिस्टेक स्टूडेंट इज कमिटिंग आउट ऑफ जस्ट इग्नोरेंस शियर इग्नोरेंस कि उसको पता ही नहीं है कि ऐसे यूपीएससी में ऐसे नहीं लिखा जाता ऐसे का जो कंटेंट है वो पूरा जनरल स्टडीज से आता है आप जनरल स्टडीज का पेपर तैयार करेंगे तो उसमें आपके सारे ऐसे तैयार हो जाते हैं सारे ऐसे आपके तैयार हो जाते हैं तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने ऐसी कुछ कुछ गलतियां हम नहीं करना चाहेंगे जिससे हमारा पूरा साल ना वेस्ट हो जाए देन नो रिविजन टाइम इज अवेलेबल फॉर जनरल स्टडीज तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना टाइम जो मैं टीएमपी आपका लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट प्लान तो उसमें हमने हमें ध्यान रखना है कि यार कितना टाइम मुझे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम स्पेसिफिकली जनरल स्टडीज के लिए रखना है एंड यू शुड बी ऑल्सो प्रपेयर विद्शनबल शेड्यूल इट मे चेंज यू मे नॉट गेट अनफ टाइम आपको शायद टाइम ना मिले ये क्लियर हो गया इसमें कोई क्वेश्चन पूछना आपने एनी क्वेश्चन यू विश टू आस्क अभी मैं कट ऑफ डिस्कस करूँगा जो कि क्या क्या कट ऑफ आपको कितने मार्क्स का टारगेट है आपका प्री में कितने नंबर चाहिए आपको मेन्स में कितने नंबर चाहिए क्या स्कोरिंग पैटर्न चल रहा है ठीक है जी चलिए आगे देखो अब फाइनल नेक्स्ट स्टेज आपका इंटरव्यू का आता है पर्सनैलिटी टेस्ट नाउ इन इंटरव्यू अराउंड टू पॉइंट फाइव टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज़ पहले कितना था प्री के बाद 12 ट्वेल्व पॉइंट फाइव टू थर्टीन टाइम्स बट नाउ 2.5 पॉइंट ढाई गुना लोग ही सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं अगर एक हज़ार वैकेंसीज हैं तो लगा के चलिए ढाई से तीन हजार लोग आपके बुलाए जा सकते हैं ओनली ठीक है ना यू पी जो इंटरव्यूज आर कंडक्टेड इन यू पी एस सी बिल्डिंग इन डेली दैट इज शाहजहां रोड धौलपुर हाउस कहते हैं शाहजहाँ इट्स नियर इंडिया गेट तो वहीं पे आपके यूपीएससी बिल्डिंग के अंदर ही इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं एंड एक्सपर्ट पैनल ऑफ एटलीस्ट फाइव पीपल विल जज यू पांच लोगों का एक पैनल होता है जिसके सामने आप इंटरव्यू के लिए प्रस्तुत होते हो ठीक है ना अब वो पांच जो लोगों का पैनल है उसमें से एक जो हेड ऑफ दैट पैनल है दैट पर्सन इज़ मेंबर यूपीएससी कि यूपीएससी का मेंबर होता है जो उस पैनल को हेड करता है दैट इज़ कन्वेंशन दैट इज़ नॉट अ रूल बट इट्स अ कन्वेंशन और यही चली आ रही है परंपरा कि जो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसका एक अपना चेयरमैन होता है और मेंबर होते हैं तो जो उनके मेंबर होते हैं वो इन इंटरव्यू पैनल्स के चेयरमैन बनते हेड है, बनते हैं उस एक हेड के अलावा दो लोग इस तरफ बैठेंगे दो लोग इस तरफ बैठेंगे दिस टू पीपल विल बी कॉल्ड फ्राम दे आर डिस्टिंग्विश्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड दे कैन बी रिटायर्ड आई एस ऑफिसर रिटायर्ड आई पी एस ऑफिसर दे इट मे वी परसन फ्रॉम डिफेंस इट मे वी परसन फॉर एकेडमिक्स कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर हैं कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं कोई जर्नलिस्ट हो सकता है कोई भी हो सकता है कोई लिमिटेशन नहीं है यू पी एस सी पे इस पैनल में किसी को बुलाने की वो किसी को भी बुला सकती है बट दैट पर्सन हैज इज डिस्टिंग्विश्ड इन हिस फील्ड तो बहुत ही अच्छा पैनल यू बनाती है और उसके साथ ही इंटरव्यू ले जाते हैं आई विल रिकॉर्ड अ सेपरेट लेक्चर्स ऑन हाउ टू वट इज़ यू इंटरव्यू क्या इसमें खास बातें हैं विथ टाइम ठीक टाइम आने पर करेंगे है ना थरी नहीं करेंगे अभी ज़्यादा आपको इंटरव्यू में घुसने की जरूरत नहीं है आप तैयारी शुरू शुरू कर रहे हैं है ना बट लेकिन धीरे धीरे आपके इसमें लेक्चर जुड़ते जाएंगे जैसे ही समय आएगा ठीक समय पे और जो आपके इंटरव्यू के टोटल मार्क्स हैं दैट इज़ 275 275 नंबर का इंटरव्यू होता है ठीक है ना अब जो रिजल्ट आता है पंद्रह जनवरी को रिजल्ट आया उन्नीस में तो इसके जो इंटरव्यू हैं वो मार्च अप्रैल में जैसे फरवरी एंड में भी स्टार्ट हो सकते हैं बट मार्च अप्रैल इज़ रिज़ल्ट फॉर द इंटरव्यू है ना मार्च अप्रैल में इंटरव्यू होते हैं मई में, में रिज़ल्ट आ जाता है फाइनल है ना तो सात आठ पैनल बैठते हैं और आपको एक डेट मिलती है सेशन मिलता है कि आपको इस डेट इंटरव्यू के लिए आना है और ये मॉर्निंग सेशन है आपका या इवनिंग सेशन है आफ्टरनून सेशन है तो आपको उसी निर्धारित समय पे पहुंचना पड़ता है कुछ वो डॉक्यूमेंट्स आपने मंगाते हैं फोटोग्राफ मंगाते हैं वो आपको साथ में लेके जाना पड़ता है ठीक है ना एंड यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ठीक है अब दोनों के नंबर जुड़ के मेन्स का एग्जाम का स्कोर आउट ऑफ सतारह और इंटरव्यू का स्कोर टू ये हो गया आपका दो 2025 में से कितने मार्क्स हैं आपके दैट डिसाइड योर प्लेस इन द मेरिट लिस्ट अगर हम पहली स्टेज मिला लें तो 200 नंबर का आपका प्रीलिम हो गया उसमें से कितने नंबर हैं आपके जिससे आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे इसमें कितने नंबर आपको चाहिए कि आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे इसमें कितने नंबर चाहिए आप मेरिट लिस्ट में आओगे ये तीन हमारे अनसॉल्व क्वेश्चन हैं विच वी मस्ट आंसर ठीक है तो अब मैंने यहाँ पे चार इयर्स का सैंपल लिया दो हज़ार सोलह सत्रह अठारह उन्नीस नाइन फोर ईयर्स एनअ डाटा है टू सी द वेरिएशंस आई हैव ऑल्सो टेकन ऑफ द कैटेगरीज जो कट ऑफ कैटेगरी वाइज सो दैट टू विच एवर कैटेगरी डू यू बिलोंग यू आर एबल टू सी योर प्लेस कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए फॉर जस्ट डिस्कशन परपजेज आई विल टेक जनरल कैटेगरी फॉर रेफरेंस परपजेज ठीक है ना इन टू थाउजेंड सिक्सटीन द प्रलिम कट ऑफ वॉज हंड्रेड एंड सिक्सटीन मार्क्स विच वॉज क्वाइट हाई आउट ऑफ टू हंड्रेड मेन्स में जिस बच्चे के सेवन एटी सेवन मार्क्स थे हु दैट स्टूडेंट गॉट दी इंटरव्यू कॉल और जिस बच्चे के फाइनल में नाइन एटी एट मार्क्स थे है ना ही वॉज सिलेक्टेड ही वॉज अ लास्ट कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी उसी तरह ओ बी सी में नाइन फिफ्टी वन एस सी कैटेगरी में नाइन थर्टी सेवन एस टी में नाइन ट्वेंटी सेवन पी एच वन टू थ्री ये फिजिकल फिजिकली चैलेंज कैटेगरीज हैं तो ऐसी कट ऑफ वेरी करती है अब आप ध्यान से इसमें फाइनल बात देखें दो में कि टू पे मेन्स की कट ऑफ है और फाइनल सिलेक्शन 988 पे हुई मतलब अगर किसी के 200 मार्क्स हैं लास्ट पर्सन टू बी कॉल्ड इफ ही गेट्स 200 प्लस मार्क्स इन द इंटरव्यू ही विल बी सिलेक्टेड तो इंटरव्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दो में से अगर आपके 200 नंबर इंटरव्यू में आते हैं जो आते हैं लोगों के ऐसा नहीं है दो भी आते हैं दो भी आते हैं दो भी आते हैं ऐसी बात नहीं है तो अगर आपके मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक बार आपको इंटरव्यू कॉल आ गई तो आपके हाथ में बहुत कुछ है इफ़ यू गेट वेरी हाई मार्क्स इन द इंटरव्यू यू कैन सी योर सेल्फ इन द लिस्ट हाँ लेकिन अगर आपके 150 फिफ्टी आए इंटरव्यू में और यू आर द लास्ट पर्सन टू बी कॉल्ड फिर बात नहीं बनती ठीक है जी तो आप देखिए नेक्स्ट 2017 में वेरिएशन देखिए अब आप 2017 में प्रीलिम की कट ऑफ चली गई और मेंस की कट ऑफ एट जीरो नाइन उसके आसपास ही है बीस तीस नंबर आगे पीछे और फाइनल कट ऑफ अगेन एक हज़ार छः हो गई मतलब प्रीलिम की डाउन हो गई और मेंस में अप ट्रेंड है लेकिन आप वेरिएशन देखिए कितनी बहुत ज़्यादा नहीं है डिपेंडिंग मतलब तो, टफनेस ऑफ पेपर तो थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है बीस नंबर की वेरिएशन फाइनल में है बीस नंबर की ही वेरिएशन अराउंड मेन्स में बीस से पच्चीस नंबर की तो क्या मतलब 16 और सतारह के अंदर 20 नंबर की वेरिएशन मेंस में रही अराउंड और आप 18 में देखिए अब 18 के अंदर ओके okay, 18 के अंदर जो आपकी कट ऑफ थी जनरल नाइनटी मार्क्स बहुत नीचे आ गई पेपर वास्ट टफ और मेन्स कट ऑफ सेवन मतलब 2016 से भी नीचे आ गई 787 16 में थी 10 नंबर डाउन होके 15 नंबर डाउन होके आपकी नीचे आ गई मतलब वेरिएशन देखिए आप 16 को हम 787 एटी मीन्स में और 17 में बढ़ गई ये 1000 सॉरी 800 प्लस हो गई और 18 के अंदर 774 हो गई तो इससे लेसन क्या मिल रहा है आपको लेसन ये मिल रहा है कि ये वेरी करती रहती है ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बढ़ेगी या कमी होगी तो डोंट बी मिस गाइडेड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पेपर पेपर क्या है है ना और फाइनल जो है 982 के ऊपर सिलेक्शन हुई फाइनल में है ना तो तीन देखिए डाटा ये बट आप देखिए अराउंड वही 780 790 800 770 772 टू लेके एट uh, हंड्रेड टेन तक की विंडो दिख रही है अभी अभी तक सोलह सतारह अठारह के अंदर तीनों सालों के अंदर सात सौ सत्तर से लेके 810 तक की आपको विंडो दिख रही है और प्रीलिम के अंदर आप देखिए तो 98 कट ऑफ थी तो 98 से लेके 120 तक की विंडो दिख रही है आपको जो बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए ना यहाँ 20-25 नंबर की विंडो दिख रही है आपको जो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस पेपर अगर मुश्किल है तो मेरिट नीचे जाएगी अगर पेपर आसान है तो मेरिट ऊपर चली जाएगी इससे बहुत बड़ा लेसन मिलता है वाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग दट नोबडी विल बी एबल टू मिस गाइड यू आप यूपीएससी में मेरा पैटर्न कराने का मकसद ये है कि आपको स्ट्रांग करना स्ट्रांग इन द सेंस पेपर मुश्किल आ जाता है तो आप दुखी नहीं हो ज़्यादा क्यों मेरिट मैरिट चली आएगी इट्स रिलेटिव और अगर पेपर आसान आ गया तो आप बहुत खुश नहीं हो बिकॉज आपको डर लगेगा कि अरे पेपर आसान आ गया तो, तो मेरिट तो ऊपर जाएगी तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव अचीवमेंट जो यूपीएससी में मैटर करती है पेपर आसान या मुश्किल कोई चीज़ एक्चुअल में नहीं होता वो हमारे मन का वहम है हमें बस वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है कि आप इस बात को समझ पाते हो नहीं समझ पाते कि यार मुश्किल आ गया कोई बात नहीं मुझे रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करना है आसान आ गया कोई खुशी की बात नहीं है मुझे रिलेटिवली परफॉर्म करना है हैव टू गेट मोर मार्क्स जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई वो आसान और मुश्किल से चंगुल से बाहर निकल जाता है और नोबडी इज एबल टू तो बी फूल हिम कोई टीचर कोई इंस्टीट्यूट उसको या कोई वेबसाइट उसको बेवकूफ़ नहीं बना पाती जैसे इस बार का 2020 का पेपर अगर आप देखें इट वॉज सुपर टफ बहुत मुश्किल था अगर पिछले पांच छह साल का मैं कंपैरिजन करूं तो इस साल बहुत टफ था जो क्वेश्चन तो आसान थे वो आसान थे जो मुश्किल थे बहुत ही मुश्किल थे तो देखो मेरिट तो इट इज एक्सपेक्टेड कि मेरिट थोड़ी सी नीचे जा सकती है अब आ जाए उन्नीस पे और जो जो रैंक वन था कनिष्क कटारिया तो ही स्कोर्ड नाइन इन मीन वन इन द इंटरव्यू और टोटल उसके ग्यारह नंबर थे जो टॉप टेन में आते हैं या टॉप फिफ्टी में आते हैं उनके एक्सेप्शनली थोड़े से ज़्यादा नंबर होते ही हैं है ना? तो आप 942 फोर्टी में हैं अगर आप 950 का टारगेट बनाते हैं तो यू कैन होप टू टॉप एग्ज़ाम, है ना? चलिए 2019 में देखें आप 2019 के अंदर फिर कट ऑफ 98 के करीब गई ज़्यादा गई थी चलिए लेटी और मेंस uh, में कट ऑफ सेवन फिफ्टी वन नीचे आ गई और और फाइनल नाइन सिक्सटी वन देन प्रदीप सिंह प्रदीप सिंह जो टॉपर था स्कोर्ड वन थाउजेंड सेवेंटी टू मार्क्स इन दी फाइनल एग्जाम है ना तो अब देखिए वेरिएशन वही आ रही है कि साढ़े सात सौ से आठ सौ नंबर के, के बीच में आपको मेंस में लोअर कट ऑफ पे चाहिए और साढ़े नौ सौ से लेके या नौ सौ साठ सत्तर से लेके 1000 एक हज़ार प्लस नंबर आपको फाइनल लिस्ट में चाहिए मतलब ये लोअर कट ऑफ है बट दैट इज़ नॉट योर टारगेट आपका टारगेट नहीं है तो अगर मैं सेफ लगा के चलूँ और आपको टारगेट दूँ तो प्रिलिम में मैं आपको टारगेट दूंगा कि एक नंबर आपके प्रिलिम में प्रिलिम में आपको टारगेट बना के चलना है क्या होता है ये कैसे हॉट चेंजेस मैंने ये किया था पर आया नहीं ओके कम टू फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स आपका प्रीलिम में आई कैन से कि यू कैन शुड यू शुड कीप अ टारगेट ऑफ 120 प्लस बाकी तो रिलेटिव वेरी करेगा मेंस में योर टारगेट शुड बी बिटवीन 850 फिफ्टी टू नाइन इस टारगेट को लेके तैयारी करनी है और मैं सारी जो मेंटरिंग आपको कर रहा हूं इसी टारगेट को लेके कर रहा हूं वट एवर आई विल बी सजेस्टिंग यू वट एवर विल गाइडिंग यू टेलिंग यू वट एवर विल बी डिस्कसिंग वो इन टारगेट्स को लेके चलेगी कहानी इंटरव्यू में आपके जो स्कोर है आप uh, वन प्लस आपका टारगेट है है ना तो अगर मैं ये दोनों भी लोएस्ट ले लूँ तो वो एक हजार तीस के करीब बनती है जिस जो आप इसको वेरी इन टॉप हंड्रेड रैंक आपका इसमें आएगा और अगर आप थोड़ा सा मेंस में नाइन हंड्रेड तक ले जाओ यहाँ वन एट्टी भी आ गया तो वन जीरो सेवन जीरो है यू आर प्रॉपर आई एस ये क्लियर होगी बातें एक बार यस करो तो मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली पढ़ें अपने लक्ष्य पे बिल्कुल फोकस होके काम करना है ये नहीं है कि दिन खराब करने हैं दिन नहीं खराब करने हैं टाइम नहीं खराब करना बिल्कुल है ना यू हैव टू स्टे फोकस्ड बिल्कुल फोकस रखना कि मेरे को मेरी जिंदगी में मेरा लक्ष्य क्या है बाकी सब चीज़ें बेटा यहीं रह जानी है है ना टाइम निकल जाएगा फिर हम बाद में सोचते रहेंगे यार उस वक्त पढ़ लिए होते आज एक्ट करने का टाइम है टुडे इज़ द टाइम ठीक है ना आज टाइम है ये एक्ट करने का अपने जीएस के जो डिफरेंट से सेक्शंस चल रहे हैं यू मे बी अटेंडिंग क्लासेस ऑनलाइन तो आप जो क्लासेस ऑनलाइन लगा रहे हो उसको रेगुलरली पढ़ना है आपने क्योंकि लक्ष्य आसान नहीं है दिखने में आसान लगता है कि 120 ले जाएंगे भाई दिखने में आसान लगता है कि 850 है जी सतारह में से अपने पेरेंट्स को बताओगे कि अरे 50 परसेंट भी नहीं है लेस देन 50 परसेंट रोकेंगे बेटा तुम तो निकाल लोगे जबकि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है इट्स इट्स वेरी डी मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट मार्क्स इन द यू एग्जामिनेशन है ना अब किसी के अगर सात सौ सत्तर नंबर आ रहे हैं तो लिखाओ कितना है अराउंड रफली मतलब सात सौ साढ़े सात सौ पे अगर कट ऑफ है नीचे मीन्स की तो फोर्टी फाइव परसेंट भी नहीं होते नंबर मतलब फोर्टी फाइव परसेंट से कम नंबर जिनके आ रहे हैं उनको भी इंटरव्यू कॉल आ रही है इसका मतलब इससे लो स्कोरिंग एग्जाम या इसमें कुछ ऐसी डायनेमिक्स है कि नंबर जो लेने मुश्किल होते हैं यू हैव टू रियली वर्क हार्ड कि क्वेश्चन क्या पूछा गया आप उसको आंसर आपका लिखना होता है तो मेरा कहने का विचार ये है कि अल्टीमेटली जो फोकस है ना आपका कि आप अपने लक्ष्य को क्या रखते हो और कैसे उसको विजुलाइज़ करते हो दैट इज इंपॉर्टेंट आपका लक्ष्य यह नहीं है कि मैं ऐसा कुछ पढ़ लूँ पेपर में यहाँ से आ जाए वहां से आ जाए यहाँ से आ जाए ये किताब पढ़ लो वो किताब पढ़ लो उससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ आप अपनी मदद खुद कर सकते हो बिकॉज फोकस आपको रहना है आजकल इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है सो मैनी डिस्ट्रेक्शन इतनी वेबसाइट्स हैं इतने इंटरव्यूज आते हैं ये आता है वो आता है कि यू आर sometimes कन्फ्यूज कि मैं करूं क्या है ना एक इंटरव्यू में कह रहा है बच्चा कि तुम ऐसे तैयारी करो दूसरे इंटरव्यू में बच्चा कह रहा है selected कैंडिडेट्स कह रहा है ऐसे तैयारी करो तीसरे इंटरव्यू में ऐसे कह रहा है कोई इंस्टीट्यूट वाला ऐसे कह रहा है कोई वैसे कह रहा है एंड यू आर टोटली कंफ्यूज कि मैं करूँ क्या इवन जनरल स्टडीज की बुक्स ही देख लो आप आप अगर दस वीडियो जनरल स्टडीज की बुक्स के बारे में देख लो आपके सामने एक एक से बैठ की पंद्रह पंद्रह किताबें शायद इकट्ठी हो जाए एंड देन यू आर कंफ्यूज तो इस मेंटरिंग प्रोग्राम का मकसद यह नहीं है कि मैं आपको यह बताऊं कि यह पढ़ लो ये नहीं पढ़ लो इससे तुम सिलेक्शन हो जाएगी इस मेंटरिंग है ना दे फोकस टू मच ऑन करंट अफेयर वेरी राइट खाम खाई मैं आपको लेक्चर दूंगा आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में कि क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं कि यार कौन सा करंट अफेयर क्या है मतलब वाई आई डोंट थिंक इस बार का तु, तु, टू का प्री देख लो कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन है हार्डली चार या पांच नहीं निकलते तो वाई वी आर ऑलवेज मतलब आफ्टर करंट अफेयर्स चलो वो एक बात है पर मेरा को मेंटरिंग का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये किताबें पढ़ लो आप आई बन जाओगे आप ये uh, ऐसे लिखो आप आई बन जाओगे आप इतने घंटे पढ़ो आई ए बन जाओगे आई एम नॉट इन टू दैट बिजनेस मेरा काम है आपको मोटिवेटेड रखना नन, कि आप पढ़ते रहो मेरा काम है आपको फोकस्ड रखना मेरा काम है आपको रैशनल बनाना कि आप खुद अपने डिसीजन ले पाओ मेरा काम है आपको एक ट्रैक पे रखना मेरा काम है आपके डाउट्स क्लियर करना कि आपको कोई डाउट ना आए मन में अगर आए तो हम मिलकर उसको सॉल्व करें मेरा काम आपको कन्फ्यूज़ करना नहीं है कि यार इतना बता दिया ऐसे कर लो वैसे कर लो आई बन जाओगे ये हो जाओगे आई एम नॉट इन टू दैट बिजनेस प्लीज ना ही मैं वो कर सकता हूँ ना ही हमने आज तक किया है ये वी डोंट क्लेम कि हम आपको आई बना सकते हैं हाँ आपको रास्ता जरूर दिखा सकते हैं आपको उस रास्ते पर रख सकते हैं वरना ना वरना आपकी किस्मत आपकी मेहनत आपका फोकस आपका तकदीर लेकिन मेहनत करोगे काम करोगे तभी कुछ काम होएगा ना आगे तकदीर भी तभी काम करेगी तो डोंट स्टॉप लुकिंग फॉर एनी एनी थिंग विच विल मेक यू आई एस ओनली यू कैन मेक यूर सेल्फ आई एस आप अपने आप को आई एस बना सकते हो कोई दूसरा नहीं बनाएगा आपको आप अपने अंदर क्या एटीट्यूड लेके चल रहे हो क्या आप आ, कैसे वर्क कर रहे हो आप दैट विल मेक यू आई एस नॉट अदर्स एक जमाना था देखिए आज से सात आठ साल पहले तक देर वॉज नो एज सच ऑनलाइन का कोई इतना रिवाज नहीं था सो स्टूडेंट्स यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन अस ओनली कि आए ठीक है टेस्ट यहीं देना है बैठना है यहाँ पर डिस्कशन करनी है वो जमाने डिफरेंट थे आज क्या है कि डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि यू आर एवरी पर्सन एवरी पर्सन कैन बिकम अ गाइड ठीक है कोई गलत नहीं है इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू शेयर एक्सपीरियंसेस है कोई इसमें क्या खास बात है मैं मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया या मैंने पढ़ाया तो मैं आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसिस लेकिन इन दैट सिनेरियो इन सच अरियो विच इज नॉट इन अवर कंट्रोल योर यू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट योर कैपेबिलिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेदर यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कैन यू डिस्टिंग बिटवीन द राइट एडवाइस एंड रॉन्ग एडवाइस कैन यू टेक द एडवाइस अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन ये तो नहीं है जो सामने वाला एडवाइस दे रहा है वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रहा है आपकी कंडीशन बहुत ही डिफरेंट है तो इतना डिफरेंस आप क्या समझ सकते हो आपको अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि यार जो एडवाइस मेरे सामने आ रही है क्या उस, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करके मैंने यूज़ uh, करना है ठीक है दैट इज अ थिंग दैट वॉज जस्ट समथिंग अबाउट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आगे पैटर्न आएगा मल्टीपल टाइम्स चलते रहेंगे आगे सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच स्टे मोटिवेटेड स्टे फोकस्ड एंड प्रिपेयर वेल थैंक यू वेरी मच